वालेकुम जी कैसे हैं आप सब उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे हेल्थ के साथ होंगे इंशाल्लाह ताला आज मेरा व्लॉग स्टार्ट हो रहा है आलू के पराठे के साथ आज मैंने बच्चों को ना सुबह नाश्ते में आलू के पराठे और साथ चाय दी थी क्योंकि मौसम आजकल बहुत ही अच्छा हो रहा जैसे है जैसे दोबारा सर्दियाँ वापस आ रही हैं ना इस तरह का मौसम हो रहा है जैसे थोड़ी सी गर्मी थोड़ी सी सर्दी तो वा... अलहमदिल्ला ऐसे मौसम में ना आलू के पराठे कीमे के पराठे मूली के पराठे बहुत अच्छे लगते हैं तो बच्चों ने जी अलहमदिल्ला सुबह का नाश्ता बड़ा इन्जॉय किया जैसे बच्चे स्कूल से गए हैं तो मैंने ना आपको पता है कि जो घर की डीप क्लिनिंग है ना ये तो हमेशा ही चलती रहती है एक दिन का तो ये काम ही नहीं है कि आप एक दिन काम करेंगे उसके बाद हमारा सालों साल घर बिल्कुल नीट रहेगा नहीं ये तो हमेशा ही करनी पड़ती है डेली डेली करनी पड़ती है तो मैंने ना आज क्या किया मैंने अपने दोनों बेडरूम्स की ना बेडशीट्स को चेंज किया नीट एंड क्लीन किया नीट करने के बाद मैंने कहा चलें जी मैंने बाकी तो सारे घर की सफाइयाँ वगैरह कर ली थी तो मैंने कहा आज आ जाती हूँ मैं किचन की तरफ आपको पता है किचन की सफाइयाँ तो अलहदिल्ला ईद तक ही चलती रहेंगी बर्तन की ये वो सब कुछ ऐसा चलता रहेगा तो बाजी यहाँ पे वॉश करी थी बर्तन और मैं आ गई थी ऊपर वाली किचन में मैंने कहा तब तक मैं कैबिनेट्स वगैरह सब नीट कर लेती हूँ तो सबसे पहले ना मैंने एक ड्राई टॉवल ले लिया उसको सारे कैबिनेट्स के ना भी ऊपर मैंने फेरा सारे नीट किए उसके बाद मैंने डिश वॉशर लिया थोड़ा सा और उसको स्पंज के साथ ना सारा फेर के ना मैंने ड्राई टॉवल जो मेरा बिल्कुल नीट था ना उसके साथ बिल्कुल ड्राई कर दिया अलहमदुल्ला जी कैबिनेट तो हो गए मेरे नीट अंदर से भी अलहमदुल्ला नीट थे क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले इसकी सफ़ाई की थी सारी तो जी उसके बाद मैंने स्टोव पर आ गई स्टोव मेरे ना काफ़ी दिन के बाद आज नीट हो रहा है तो मैं पहले इसके ऊपर ना हमेशा ही स्टोव साफ़ करने से पहले मैं डायरेक्टली इसके ऊपर डिश वॉशर या साबुन के साथ नहीं साफ़ करती हूँ मैं पहले इसको ड्राई कपड़े के साथ फिर वेट के साथ उसके बाद करती हूँ तो अलहमदुल्ला जी मेरा स्टोव भी नीट हो गया शेल्फ़ वग़ैरह भी अलहमदिल्ला मैं सारा साथ नीट करती जा रही थी फिर मैंने सारी अपनी फ्रिज को खाली किया और इसमें से सारी मैंने चीज़ें निकाल के शेल्फ के ऊपर रखी तो सारा मैंने ये नीट किया अच्छे तरीके से साबुन से ना मैंने ये सारा वॉश कर दिया और इस बार तो ऐसा हुआ कि मैंने ये डेढ़ महीने के बाद ना अपनी फ्रिज साफ किया क्योंकि इस बार इतनी ज़्यादा ठंड थी ना तो मैंने अपनी फ्रिज तो खोली नहीं मुझे तो वैसे ही ठंड लगने स्टार्ट हो जाती थी तो आज अलहमदुल्ला मैंने सारी इसका फ्रीजर वाला पॉइंट और इसका नीचे फ्रिज वाला दोनों मैंने अच्छे तरीके से साबुन के साथ वॉश किए और फिर मैंने जो भी इसके रैंक थे ना सारे निकाले इसकी ग्रिल्स वगैरह जाली इसकी सारी निकाल के ना मैंने अच्छे से साबुन के साथ ना इसको मैंने अच्छे से वॉश किया उसके बाद मैंने क्या किया एक प्याली ली और उसमें मैंने सिरका डाल के ना इसके अंदर थोड़ी देर के लिए रख दिया कि अगर कोई गोश वगैरह के ऊपर वाले वो जो फ्रिज में है ना कोई स्मेल भी है तो वो सारी ख़त्म हो जाएगी तो मैंने फिर उसके बाद ये सारी मैंने अपनी दीवार वॉश की और ये जो है ना सारी दीवारें उसको भी ना मैं साबुन के साथ वॉश कर देती बाद में पानी फेर देती हूँ अलहमद बिल्कुल नीट मेरा पेंट हो जाता है तो सारी मैंने ये दीवारें साफ़ की जैसे मैंने अपना किचन वगैरह नीट कर लिया फिर मैं उसको ऑन करके ना अभी नीचे आ गई मैंने कहा बाद में मैं ना उसको जाके जो कुछ सामान रहता है वो कुछ सेट कर लूँगी दूध और ज़्यादातर भी आटा ही होता है और कोई चीज़ नहीं होती तो फिर मैंने कहा चले ये तो हो गया तो मैं जल्दी जल्दी ऐसा करती हूँ कि मैं ना खाना रेडी कर लेती हूँ आज मैं आपको बता रही हूँ कि रमज़ान में अवतार टाइम अगर आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है तो आपने क्या करना है आपने बनाना है वाइट मटर पुलाव आपके पास फ्रीज किए हुए होंगे मटर और आपने वाइट मटर पुलाव बनाना है सबसे पहले एक आपने प्याज ले लेनी है उसको लाइट सा सोते करना है जस्ट एक से दो सेकंड के लिए उसके उसके अंदर ही हरी मिर्चों का पेस्ट और लसन द्रह का पेस्ट डाल के नमक के साथ आपने उसको फ्राई कर लेना है उसके साथ ही आपने मटर डाल देने हैं मटर डाल के आपने अच्छे से भुनाई करनी है इसमें मैंने डाली है टमाटर और टमाटर जो मैंने डालनी है ना इसमें मैंने एंड पे डालने हैं ताकि ना मुझे इसको इसकी पेस्ट नहीं बनानी ठीक है अगर ये पेस्ट बन जाएंगे तो फिर आपको पता है चावलों में जो वाइट कलर आएगा ही नहीं तो मैंने इसमें तीन स्पाइसेस यूज़ किए थे सॉल्ट ब्लैक पेपर एंड गरम मसाला पिसा हुआ बस इसके अलावा मैंने इसके अंदर कोई चीज़ स्पाइसेस में से ऐड नहीं की और मोटी कुटी हुई लाल मिर्चें ताकि अभी इसमें वाइट ही कलर है तो थोड़ा सा मैंने डाल दिया इसके अंदर चिकन पाउडर और चिकन क्यूब ये हमारा हो गया रेडी और जैसे मैंने फ्रिज आज नीट की थी ना तो उसमें से थोड़े से शाम पड़े हुए थे तो मैंने कहा चलें ये भी ना अब चावलों के साथ खा के ये भी ख़त्म करते हैं नए सिरे से हर चीज़ नए सिरे से बनाऊँगे इन शाली वैसे तो अलहमदिल्ला ये जो रमज़ान की तैयारी है ना ये तो चलती ही रहेंगी ये आप कभी नहीं कह सकते कि आज से हमने स्टार्ट कर दी हैं ये बस अभी यहाँ पे ख़त्म हो गई हैं ये है कि हम चीज़ें बना के कुछ फ्रीज़ कर सकते हैं जो कि हमारी रमज़ान में हमें बड़ी हेल्प करेंगी हमारी इबादत के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिलेगा हमने बच्चों को भी लेके चलना होगा अपनी बात है इबादत को भी लेके चलना होगा और हर चीज़ को साथ साथ हमने मेंटेन करना होगा उसके लिए थोड़ी सी हम ना अभी अपना टाइम सेव करने के लिए जस्ट अपनी चीज़ें फ़्रीज़ कर रहे हैं इन शी ये सारी चीज़ें ना मैं आपके साथ कल से सारी बेसिक जो चीज़ें होती हैं कल से इन शाला तला मैं आपके साथ शेयर करना स्टार्ट कर दूंगी और जी शाम को ना मेरे घर अलहमदिल्ला आ गए गे थे गेस्ट तो मैंने जल्दी से हस्बैंड को भेजा क्योंकि मेरे पास तो अभी कोई चीज़ नहीं है अभी तो मैंने आज सारी अपनी फ्रिज साफ़ कर दी थी <laughs> बिल्कुल नीट कर दी थी जो कुछ पड़ा भी वो था वो भी मैंने कह दिया चलो बच्चों ये भी खा लो इसके जूसेज़ बना लो इस तरह मैंने ना सारे ऐसे कर दिए थे तो फिर मैंने जल्दी से हस्बैंड को भेज दिया बेकरी में फिर मैंने कुछ चीज़ें मंगवाई और सोन हलवे को ना मैं हमेशा ना ऐसे क्यूब फॉर्म में कट करके रखती हूँ ताकि किसी के लिए ना ऐसे उठा के खाना बड़ा ईजी हो जाता है अगर पूरा आप साबित सा रख देते हो ना तो वो तोड़ने में इतना करता है कि जो गेस्ट आते हैं ना वो काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि वो खाते ही नहीं है फिर के भी ऐसे तोड़ने में कुछ ऐसे भी शर्म महसूस करते हैं तो मैं तो ना इसको क्यूब फॉर्म में चले इजीली बंदा उठाता है और खा लेता है और कुछ मैंने पंजीरी मंगाई थी बाजार से ही रेडीमेड पंजीरी ये बहुत अच्छी क्वालिटी की थी और मैंने पीनट्स मंगवाई थी सॉल्टेड पिनट्स थी ये और ये भी बहुत ही कमाल की थी और साथ मैंने चाय बनाई थी और टी केक बना लिया था जो कल का जो मैंने टी केक था ना वही मैंने कट करके रखा था इतनी ज़बरदस्त मैंने चाय बनाई थी ना अब यकीन नहीं माने मैंने इसको पका पका के इतना गाढ़ा और इतनी थिक सी ये बन गई थी ना कि जब चाय पी रहे थे ना तो ऐसे जैसे दूध पत्ती पीते हैं ना उस तरह लग रहा था उसके बाद जी मैंने एक कप में डाली और अपने गेस्ट के आगे सर्व कर दी अयान वहाँ पे टेबल ड्राइंग रूम में सेट कर कर आ गए थे अल्हम्दुलिल्लाह तो ये चीज़ होती है कि मुझे ना मेरे बच्चे छोटी छोटी ऐसी चीज़ों में ना बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं जैसे भी सर्विंग के लिए कुछ और छोटे मोटे कामों के लिए ना मेरा काम बड़ा ईजी हो जाता है तो ये थी जी मेरी आज की जो मैंने अपने गेस्ट के लिए मिनी टी पार्टी क्विक सर्विस मिनी टी पार्टी समझ लें आप ठीक है और उसके बाद बच्चों ने कहा कि मम्मा अब हमने रात को ना राइस नहीं खाने हैं हमें भूख बिल्कुल भी नहीं है फिर मैंने बच्चों को दूध पत्ती बना दी और अभी हाँ कुछ छोटे छोटे ऐसे काम करने में ना बहुत मज़ा आता है तो मैं भी कहती हूँ और मैं फिर इस इन कामों में ना इसको मना बिल्कुल नहीं करती हूँ मैंने कहा चलने ठीक है अभी से थोड़ थोड़ी थोड़ी आदत पड़ती है ना तो फिर और इसको इतना शौक है मेरी तरह व्लॉगिंग करने का पूरी डिश में हर चीज़ सेट करेगी आम रूटीन में भी मेरे घर यही रूटीन चल रही होती है ऐसे कि जैसे ट्वेंटी फोर आवर्स मेरे घर ना विलोक बन रहा है <laughs> तो अलहदुल्ला जी ये मेरी अपनी पर्सनल लाइफ ही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ और उसके बाद जी काफ़ी ज़्यादा रात हो गई थी और हमारे गेस्ट भी जा रहे थे तो बस जैसे वो गई हैं तो उसके बाद ये मैंने बच्चों को जल्दी से मैंने कहा चलें भी आ जाएँ लेट जाएँ तो हमारे गेस्ट कुछ स्वीट लेकर आए थे तो बच्चों ने कहा तो मम्मा पहले थोड़ा सा स्वीट टेस्ट कर लें तो जी ये बच्चों ने स्वीट टेस्ट किया और बस जी ये था जी मेरा आज का विलोग उम्मीद करती हूँ जो आपको पसंद आया होगा प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे विलोग्स कैसे लग रही हैं और इन शाह कल से हमारी बेसिक रमज़ान की जो तैयारियाँ होंगी वो इन मैं स्टार्ट कर दूँगी ओके जी अल्लाह हाफिज़